1604 में आज ही दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संग्रहकर्ता सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे। उनके बाद भाई गुरुदास इसके संपादक हुए। इस ग्रंथ में कुल 1430 पृष्ठ हैं। इसमें केवल सिख गुरु के ही नहीं बल्कि 30 अन्य हिंदू और मुस्लिम भक्तों की वाणियां भी सम्मिलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जयदेव और परमानंद के समान ब्राह्मण भक्तों की वाणियां भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब की भाषा बड़ी ही सरल, सुबोध, सटीक और जन समुदाय को आकर्षित करने वाली है। 1970 में आज ही दिन जर्मन दार्शनिक और वैज्ञानिक जॉर्ज विलहेल्म फ्रीडरिश हेगल का जन्म हुआ था। स्टुटगार्ट में जन्मे फ्रीडरिश हेगल के घर को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ साल भर देश विदेश से पर्यटक और रिसर्चर पहुँचते रहते हैं। इस संग्रहालय में हेगल के जीवन और काम से जुड़ी ढेरों सामग्री, निशानियाँ और दस्तावेज संभाल कर रखे गए हैं। हेगल जर्मनी की येना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। येना पर नेपोलियन की सेना ने चढ़ाई कर दी थी और हेगल को वहाँ से भागना पड़ा था। वह अपने साथ केवल अपना प्रमुख दार्शनिक अध्ययन फेनोमेनोलॉजी ही ले जा सके थे। 1950 में आज एक दिन बीबीसी ने ब्रिटेन के बाहर से दुनिया में पहली बार टेलीविजन का सीधा प्रसारण किया था। 2 घंटे का यह प्रसारण फ्रांस से किया गया। यह कार्यक्रम इंग्लैंड से फ्रांस तक भेजे गए दुनिया के पहले टेलीग्राम की शताब्दी मनाने के लिए आयोजित किया गया था। टेलीविजन पर रिचर्ड डिम्बलाबे और एलन एडर ने इस सीधे प्रसारण के दौरान कैमरे के सामने कमेंट्री की। इस ऐतिहासिक प्रसारण को बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। यह प्रसारण इसलिए संभव हो सका क्योंकि इस समय तक छोटे टेलीविजन के लिए रेडियो लिंक की तकनीक का विकास हो चुका था। इससे पहले सीधे प्रसारण का दायरा भी सीमित था, जो 40 किलोमीटर तक ही हो सकता था। इस सीधे प्रसारण के लिए 5 छोटे रेडियो लिंक स्टेशन बनाए गए ताकि वो सिग्नल को ग्रहण कर आगे प्रसारित कर सकें। 1976 में आज एक दिन गायक मुकेश का निधन हुआ था। सुरों के बादशाह मुकेश ने अपना गायकी सफर 1941 में शुरू किया था। इनका सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ तो था। निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अभिनय के साथ साथ गाने भी खुद गाए थे। इसके अलावा इन्होंने फिल्म माशूका, आह, अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया। इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश एक सुरीली आवाज़ के मालिक थे और यही वजह है कि उनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। अभिनेता मोतीलाल पर फिल्माया गाना दिल जलता है तो जलने दे को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। मुकेश को 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1979 में आज एक दिन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की बम धमाके में मौत हुई थी। आयरलैंड में एक निजी नाव पर हुए बम धमाके में माउंटबेटन के अलावा उनके पोते निकोलस और नाव चालक भी मारे गए थे। दुर्घटना के बाद एक चश्मदीद ने बताया कि बम धमाका इतना ज़बरदस्त था कि नाव के टुकड़े हो गए और उस पर सवार सभी लोग समुद्र में समा गए। पास के मछुआरों ने मदद करने की भरपूर कोशिश की और लॉर्ड माउंटबेटन को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी IRA संगठन ने ली थी। इस हमले के कुछ ही देर पहले आयरलैंड की सीमा पर भी हमला हुआ था जिसमें 18 सैनिक मारे गए थे।